तो भाई यहाँ पे टायर हो गया अपना पूरा का पूरा फिट और एकदम चमचमाता हुआ ग्रिप इसके अंदर मिल जाती है हमको मोटी गुड्डी की। इसका रिस्पॉन्स अभी आपको मैं आगे वीडियो के अंदर दिखाता हूँ। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैं हूँ आपका अपना वॉन्डर विद दृश्यल। तो आज की जो अपनी वीडियो होने वाली है ना, वो होने वाली है अपनी TVS Ronin के टायर्स चेंज करने की। क्योंकि वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो मेरी बाइक अभी हो चुकी है तकरीबन 10 महीने पुरानी। 10 महीने हो गए मेरे को इस बाइक को लिए हुए और ये चली कितना एक बार आप चेक कर लो, सिर्फ 4733 किलोमीटर चली है। और अगर आप लोग इसके टायर की कंडीशन देखोगे ना तो एकदम ब्रांड न्यू है। यहाँ पे आप लोग चेक करो, एकदम ब्रांड न्यू टायर्स हैं अभी इसके TVS जो अपने देती है फ्रंट और बैक के। लेकिन अभी मैंने आपको सिर्फ फ्रंट के टायर दिखाए हैं। अगर आप लोग पीछे के टायर चेक करोगे मेरे, तो एक बार उसकी आप कंडीशन चेक कर लो। तो भाई ऐसे हो गए हैं पीछे से अपने कुछ टायर, मतलब कि अगर आप लोग यहाँ साइड में से चेक करोगे ना तब तो दिखेगी एकदम बढ़िया ग्रिप, प्रॉपर एकदम आपका इतना हाथ, मतलब इतनी उंगली अंदर चली जाए, इतनी ग्रिप है। लेकिन अगर आप सेंटर से चेक करोगे तो भाई साहब पूरा मतलब प्लेन है, यहाँ से प्लेन कुछ भी नहीं है। यहाँ पे इतना पूरा गंजा हो चुका है एकदम से, टायर घिस चुका है। उसका रीज़न है कि ये है क्योंकि मैं मारता हूँ बर्न आउट अपने इससे बाइक से। उसकी आप लोगों ने रील्स काफ़ी ज़्यादा देखी होगी इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, हर जगह मैंने रील्स डाल रखी अपने बर्न आउट की। तो वो काफ़ी ज़्यादा मेरे को शौक है उस चीज़ का। तो आज हम लोग जैसे इसका टायर चेंज करवाने लगे, मेरे को पता ही था कि इसका टायर गंजा होगा तो चेंज करवाने ही, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब बात आती है कि भाई ये है सिंगल चैनल ABS, हमको चाहिए टायर थोड़ी बढ़िया ग्रिप वाला, क्योंकि ब्रेकिंग में वैसे ही डबल चैनल ABS से थोड़ा कमज़ोर ही रहता है। तो भाई अगर हम टायर इसका बढ़िया ना डलवाए तो फिर क्या ही बात होगी। तो इसके अंदर जो कंपनी से टायर फिटेड आता है ना, उसका एक बार मैं आपको साइज चेक करा देता हूँ कि क्या टायर हमको कंपनी से मिलता है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है इसका साइज़ 130/70R17। तो ये इसकी प्रोफाइल है टायर की जो हमको कंपनी से मिलता है। और ये TVS का ही डला हुआ है इसके अंदर, अभी जो TVS टायर जो आते हैं TVS वाले अपना ही टायर डाल के देते हैं। बट मैं इसके अंदर आज जो टायर लगवाने वाला हूँ वो रहने वाला है एक दूसरे ब्रांड का, काफ़ी बढ़िया, मतलब मैंने उसका एक्सपीरियंस सुना हुआ है, अच्छे खासे यूट्यूबर्स ने उसका, कंपनीज़ ने उसका रिव्यू बना रखा है उस टायर का, काफ़ी ज़्यादा उसकी टेस्टिंग हो रखी है। तो आज हम लोग वो चेक करेंगे टायर, अपनी बाइक के अंदर डलवाएंगे और देखते हैं कि कैसा हमको रिस्पॉन्स मिलेगा उस टायर्स का अपनी बाइक के ऊपर। क्या हमको ग्रिप के अंदर फ़र्क मिलता है, क्या हमको इसकी राइडिंग एक्सपीरियंस में फ़र्क पड़ता है, क्या कम्फर्ट में, क्या रोड नॉइज़ में फ़र्क पड़ता है, हर चीज़ हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी यहाँ से सीधा चलते हैं अपने न्यू टायर्स हम लोग चेकआउट करते हैं कि कौन से इसके अंदर डलवाए जाए और कैसा इसका हमको प्राइस वगैरह क्या मिलता है टायर्स का, सब कुछ इस वीडियो में आज हम बात करेंगे। तो चलो भाई चलते हैं यहाँ से सीधा अपना टायर्स चेकआउट करने कि कौन कौन से टायर्स हम डलवा सकते हैं अपनी TVS Ronin के अंदर। और आपको पूरा का पूरा जो इसका एक्सपीरियंस है ना, मतलब जैसे अभी तो मैं इसको टायर को चला ही रहा हूँ, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ टायर घिसने के बाद ना आपको ब्रेकिंग के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखेगा। मतलब कि जो स्टॉक टायर्स थे जब मैंने बाइक नहीं ली थी तो इसकी ब्रेक एकदम शानदार, लेकिन जैसे ही मैंने 2-4 बर्नआउट मारे तब तक ठीक था क्योंकि टायर्स के अंदर ग्रिप अच्छी खासी अवेलेबल थी। बट उसके बाद ना एक टाइम ऐसा आया जब मैंने रज के बर्नआउट मार दिया एक ही दिन, और टायर की ग्रिप ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी, उसी दिन ही ख़त्म हो गई थी। तो मेरे को पता चल गया था कि भाई आज वाला बर्नआउट अपना मस्त खर्चा दे के गए मोटा जेब के ऊपर। बट मैं आपको बता दूं कि आप लोग इतना सोचना मत कि भाई टायर बहुत महंगा आता है Ronin का, मेरे को ऑलरेडी पता है इसके टायर कितने कितने रुपए के आते हैं। आपका 2-3 हज़ार के अंदर आपको बहुत बढ़िया बढ़िया टायर्स मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े ब्रांड्स की तरह कि भाई साहब आपका 20-30 हज़ार के सिर्फ टायर ही डल रहा है, ऐसा कोई सीन नहीं है। अपनी Ronin इस मामले में बहुत बढ़िया बाइक है कि ज़्यादा खर्चा नहीं मांगती, तो उसके अंदर आपको मोटा मोटा 2-3 हज़ार के अंदर तो भाई साहब आपको टॉप से टॉप कंपनी का आप टायर डलवा लो, भले वो C8 हो, MRF हो, अपोलो हो, डिपेंड करता है कि आप कहाँ से डलवा रहे हो, बट 3 हज़ार के अंदर अंदर आपको बहुत बढ़िया टायर मिल जाएंगे। तो मैं जो टायर डलवाने लगा हूँ उसकी भी हम लोग आगे इस वीडियो में बात कर लेंगे, मैंने कौन कौन से चूज़ किए थे और क्यों मैंने ये वाला मॉडल सेलेक्ट किया, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो
सबसे पहली बात कि मैं कौन से टायर डलवाने लगा हूँ, तो मैं अपनी बाइक के अंदर डलवा रहा हूँ भाई अपोलो टायर्स का ट्रैम्पलर एसटी सीरीज, मतलब अपोलो की एक ट्रैम्पलर सीरीज आती है, उस ट्रैम्पलर सीरीज के अंदर दो सीरीज और आती हैं, एक एसटी और एक एक्सआर। तो एसटी जो अपनी है वो रहती है पूरी की पूरी 70% ऑन रोड और 30% ऑफ रोड के लिए, कि भाई साहब अगर आप थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग करते हो तो वो 30% ऑफ रोडिंग परफॉर्मेंस के लिए बना है, क्योंकि हार्ड कोर ऑफ रोडिंग आप उस पर मत करो, तो छोटी मोटी ऑफ रोडिंग के लिए सही है, और 70% यूसेज आपका उसका रोड्स पे रहना चाहिए, तो उसके लिए बना है ट्रैम्पलर एसटी सीरीज। और उसके बाद एक दूसरी ट्रैम्पलर की सीरीज आती है एक्सआर, वो आ जाता है, और उसके अंदर आपका क्या है कि आपका 70% ऑफ रोड 30% ऑन रोड, मतलब कि जो बंदे थोड़ा बहुत बाइक चलाते हैं सिर्फ इसी के लिए ऑफ रोडिंग के लिए, मतलब कि जैसे हम तो हैं कि भाई साहब थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग करी, कभी कभार लेपर्ड ट्रेल चले गए कहीं चले गए तो ऑफ रोडिंग कर ली, तो उसके लिए ठीक है। बट कुछ लोग होते हैं जो ऑफ रोडिंग के लिए ही रखते हैं, जैसे कोई डर्ट बाइक वगैरह आ गई, या फिर कई लोगों ने रॉनिन को इसके लिए ऑफ रोडिंग के लिए मॉडिफाई किया, तो उनकी बात अलग है, उनके लिए एक्सआर सीरीज़ है जो ऑफ रोडिंग के लिए बनी हुई है। तो अपोलो मैंने क्यों चूज़ किया, उसका ये रीज़न है क्योंकि दूसरा मेरे को मिल जाता है टीवीएस, वो मेरे को डलवाना नहीं था, स्टॉक कंपनी वाला बेकार था। एमआरएफ मेरे को मोग्रिप बुलेट के अंदर डलते हैं, मीटियोर के अंदर डलता है, वो भी मज़ेदार नहीं लगा मेरे को। उसके बाद आता है अपना C8 के टायर्स, उससे बढ़िया मेरे को अपोलो का ही रिव्यू समझ आया जितना भी है। तो ये आ गए हम लोग अपने शॉप पे, बिल्कुल पास में थी अपोलो टायर्स का, आप लोग शोरूम यहाँ पे चेक कर लो, और टैगोर गार्डन में है शोरूम, तो अभी अपनी बाइक लगाते हैं अंदर और देखते हैं भाई क्या यहाँ पे सिस्टम है सारा इसका। टायर्स चेंज करने यार पिछले वाला। हेलो सर, स्कूटर ना इधर कर दो, बाइक ऊपर कर दो, ऊपर यहाँ लगा दूँ या बस आप यहीं लगा दो, यहीं लगा दो। इसका क्या कर रहा है, स्टैंड दूसरा लगा दो, डबल लगा दूँ, नहीं इधर लगाऊँ या अंदर करूँ, और भी ऑप्शन है इस टायर साइज में, एक वही है सर, इससे बढ़िया चीज़ ही नहीं है, इससे बढ़िया कोई नहीं है। चलो तो भैया ने भी बोल दिया कि ये सबसे बढ़िया है जो मैंने चूज़ किया। अच्छा ये है, इससे बढ़िया कोई चीज़ ही नहीं है। तो ग्रिप आप लोग चेक कर लो, वीडियो में आपको समझ आ रहा हो अगर, तो ये है 130/70R17 जो अपनी रॉनिन में डलता है, 6 साल की इसकी वारंटी है, 3+2 3+3 है। ट्रैम्पलर एसटी जो मैंने आपको बताया, एक्सआर होता है ऑफ रोडिंग के लिए, ये होता है अपना ऑन रोड चलाने के लिए थोड़ा, और प्रॉपर ये कवर होके आता है इसके अंदर। तो इसकी फिटिंग करवाते हैं अपनी बाइक के अंदर, आप लोग चेक कर लो पहले वाला टायर कैसा था और अब वाला कैसा है। टीवीएस की कितने सीसी है, 225, ये आप लोग चेक कर लो कितना फ़र्क है पहले वाली ग्रिप में और नए वाले टायर्स में, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और ये अच्छा भी लग रहा है, नया वाला टायर ना थोड़ा सा मोटी गुड्डी में है तो बढ़िया लग रहा है। करवा दो स्टार्ट। आपने ब्लॉग बनाना है तो साथ बैठना यार। हाँ जी हाँ जी। वही आप लोग चेक कर लो, हम आ चुके हैं अपोलो टायर्स के ऑफिशियल स्टोर पे, यहाँ पे सिर्फ आपको अपोलो का ही माल मिलेगा, और यहाँ पे आप लोग देख लो जो अपना नया टायर है वो कैसा दिखता है और पुराने वाला कैसा दिखता है। तो ये है अपोलो का ट्रैम्पलर एसटी, जैसा मैंने आपको वीडियो में बताया, 130/70R17, सेम इसके साथ प्रोफाइल इसकी मैच होती है, सेम अलॉय व्हील पे ही बैठेगा ये, बट इसकी ग्रिप मेरे को काफ़ी बढ़िया लगी, और मोटी गुड्डी में आता है तो बाइक की लुक भी पीछे से बढ़ जाएगी, उसी चक्कर में ही मैंने इसको डिसाइड किया कि भाई यही वाला लगाएंगे। बाकी अभी जो शॉप के ओनर है पाजी, उन्होंने भी बता दिया कि ये बेस्ट ऑप्शन है लगाने के लिए, इससे बढ़िया और कोई टायर नहीं आ रहा। बाकी वारंटी इसके अंदर हमको 6 साल की मिल जाती है, 3+3, मतलब कंपनी को अपने माल के ऊपर पूरा भरोसा है कि ये कटने फटने की कोई दिक्कत नहीं है, जब 6 साल की वारंटी मिल रही है तो। और भाई इसके अंदर ना मतलब काफ़ी लोग सोचते हैं कि हम थोड़ा सा मोटा टायर डलवा दें, तो मैं एक आपको ऑप्शन बता देता हूँ कि इसके अंदर मोटा टायर क्यों नहीं डल सकता, वो आपको चीज़ दिख जाएगी, ये
ये जो चीज़ है जो कि एक तरीके से मडगार्ड है अंदर का, कि जितना भी गंदा वो हमारा सस्पेंशन पे ना जाए, इसने पूरे ना टायर को कवर किया हुआ है। और अगर हम इसकी प्रोफाइल बढ़वाने की थोड़ी सी भी कोशिश करें कि 130 की जगह 140 करा देते बिट, तो वो इसके अंदर अटकेगा और वो आगे जाके दिक्कत आए तो फिर अच्छी चीज़ नहीं लगती। बाद में कौन पूरा सिस्टम हिलवाएगा। उस चक्कर में मैंने कहा कि भाई जो कंपनी से आता है उसी में ही हम करेंगे, कुछ इसके अंदर मॉडिफिकेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई यहाँ पे टायर आ चुका अपना बाहर, इसको बाइक को इन का टेढ़ा कर दिया तो नीचे से टायर निकल गया। ये वाला अब जो ग्रिप है मेरे को वैसे भी अच्छी नहीं लग रही थी, भाई यहाँ पे प्रॉपर आपको टायर्स की वो मिल जाएंगे ऑप्शंस। अगर टू व्हीलर में आपके चक्कर में तो ये सारे पड़े हैं और फोर व्हीलर के लिए ये सारे पड़े हुए, बाहर भी पूरा स्टॉक रखा हुआ है। और मशीन भी आप लोग चेक कर लो, एकदम लेटेस्ट मशीन भी मिल जाएगी, कोई लोकल मैकेनिक वाला काम नहीं कि भाई अभी भी डंडे वंडे लेकर बैठे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो भाई यहाँ पे अपना टायर हो गया फिट और अभी आपको काफ़ी पतला लग रहा होगा, स्प्लेंडर जैसा लग रहा होगा क्योंकि इसके अंदर हवा नहीं भरी हुई। अभी ये हवा भरेंगे तो उसके बाद वापस फूल जाएगा। और ये पिछले वाले टायर की आप हालत देखो क्या भाई साहब, बैंड बज गई इसके तो बेचारे की, मतलब साइड में से एकदम नया, ये वाली जो रबड़ है अभी घिसी भी नहीं है। लेकिन ऐसे आपने देख लिया यहाँ से, जैसे कि रेडियल होता है ना, मैं आपको यहाँ पर रख कर दिखाता हूँ इसको, ऐसे ये यहाँ से ऐसा ना पूरा कर्व आना चाहिए, ऐसे करके सर्कल बनना चाहिए, यहाँ से सर्कल बन रहा है, उधर साइड में से सर्कल बन रहा है, लेकिन बीच में से एकदम फ्लैट। वो उसी चक्कर में क्योंकि हमने इसके मज़े बहुत लिए टायर के, तो उस चक्कर में थोड़ा ऐसा हो रहा था। बाकी भी हवा भर रहे हैं फूल के, एकदम बढ़िया हो जाएगा ये। उसके बाद ग्रिप में आपको चेक करवाऊँगा कि ऐसा इसका मेरे को रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो भाई ये अपना टायर हो गया यहाँ पे ऑलमोस्ट पूरा फिट, भैया इसको बस टाइट कर रहे हैं यहाँ पे। हो गया क्या बात है। तो भाई यहाँ पे टायर हो गया अपना पूरा का पूरा फिट और एकदम चमचमाता हुआ ग्रिप इसके अंदर मिल जाती है हमको मोटी गुड्डी की। इसका रिस्पॉन्स अभी आपको मैं आगे वीडियो के अंदर दिखाता हूँ। तो भाई यहाँ पे अपना काम हो गया है पूरा का पूरा कंप्लीट, बाइक हो गई है अपनी वापस से रीअसेंबल, टायर इसका लग चुका है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से टायर इसका पूरा लग गया है नया अपना अपोलो का, अपोलो ट्रैम्पलर ST 130/70 R17। तो ये इसका टायर साइज़ है जो मैंने आपको बताया, जिस भाई को TVS के टायर साइज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं होगी उसको ही पता चल गई कि हाँ भाई ऐसा कुछ मिलता है अपने को टायर इस बाइक के साथ में। तो चलो भाई आगे, भाई तुम ब्लॉग में आगे वीडियो में, ठीक है। तो चलो अब यहाँ से निकलते अपना सीधा घर की तरफ और आपको मैं रास्ते में ही बता देता हूँ कि क्या रहा अपना एक्सपीरियंस, क्या इसका हमको रेट मिला टायर का और क्यों मैंने अपोलो चूज़ किया। ये तो आपको बता ही दिया था मैंने कि MRF C8 योकोहामा MRF यहाँ पे सब कुछ आपको मिल जाएगा इनकी शॉप पे, बट स्टिल उसके बाद भी हमने भाई साहब चूज़ किया अपना अपोलो। तो उसका यही रीज़न है कि मेरे को जो लोग टायर चला रहे हैं ना उनसे मेरे को काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स सुनने को मिला कि भाई टायर बढ़िया है अपना, कोई दिक्कत नहीं है टायर में। तो इस चक्कर में मैंने कहा भाई
जब बढ़िया है तो फिर बढ़िया लेंगे। बाकी ग्रिप तो अभी इसकी मेरे को रास्ते में ही समझ आएगी ब्रेक ऐसी है, और इसका जो एयर प्रेशर हमको मेंटेन करना है ना, अब इस नए वाले टायर का पीछे रखना है हमको 40। और एक रीज़न मेरे को इन्होंने शॉप वाले भैया ने ये भी बोला कि ये भी रीज़न हो सकता है कि क्यों आपका टायर इतनी जल्दी गंजा हो गया, क्योंकि अगर आप कम एयर में चला रहे होते ना, जैसे TVS हमको रिकमेंड करता है कि हम इसका जो एयर प्रेशर है वो पीछे रखें अपना 25-30 और आगे रखें 20-22 के करीब, तो उस चक्कर में भी हमारा जो टायर है वो गंजा हो जाता है, क्योंकि फ्लैट चलता है टायर, जितना चिपक के चलेगा उतनी दिक्कत आएगी। तो एक रीज़न ये भी बताया, बट अब मेरे को पता नहीं कि कंपनी की बात को हमको ठीक कहना चाहिए गलत कहना चाहिए। लेकिन इस वाला जो ये वाला जो नया टायर लगा है इसके अंदर इन्होंने साफ साफ बोला कि भैया 40 रखना, और जो इसकी एक्सपेक्टेड लाइफ है टायर की वो 40,000 किलोमीटर है, मतलब कि 40,000 किलोमीटर आपका टायर कहीं नहीं जाएगा अगर हम नॉर्मल रोड पे चलाएंगे तो। अगर मैं इससे बर्न आउट मारूंगा तब तो भाई मुश्किल से 500 किलोमीटर में ही टायर घिस जाए, कुछ भी हो सकता है। तो बाकी मेन बात रही कि भाई हमको इसका प्राइस क्या पड़ा, क्योंकि जेब पे कितना खर्चा आएगा टायर चेंज करवाने में, ये भी चीज़ मैटर करती है। और अपोलो जैसे ब्रांड से, ये आप लोग देख लो राइट साइड में शॉप, अपोलो टायर्स के अगर आप लगवाते हो अपनी बाइक के अंदर रॉनिन में टायर, तो आपको क्या खर्चा आएगा। तो मेरे को ये टायर पड़ा 2975 रुपीज़ का, 2975 रुपये का मेरे को ये टायर पड़ा, और इसके अंदर इंक्लूडेड है हमारी 6 महीने की वारंटी जो हमको मिल जाती है। भाई टायर मेरे को पड़ा 2975 रुपये का, उसके अंदर इंक्लूडेड है हमारी 6 साल की वारंटी, 6 महीने नहीं 6 साल की वारंटी, जो कि होती है 3+3, मतलब कि 3 साल आपके कवर्ड होंगे कटने फटने के रिलेटेड, कि आपका टायर कटेगा नहीं फटेगा नहीं, ये सब इन सब चीज़ों से वारंटी मिल जाती है। और उसके बाद जो बाकी के जो 3 साल होते हैं वो हमको मिल जाती है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स अगेंस्ट वारंटी, कि अगर बाइक के अंदर कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है उस वजह से कोई बाइक में दिक्कत आती है या टायर में दिक्कत आती है, बाइक में नहीं है सॉरी टायर के अंदर कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है और अगर उस वजह से कोई प्रॉब्लम आती है तो पूरी की पूरी अपोलो क्लेम कर सकते हो आप लोग अपोलो टायर से। तो ऐसी हमको इसकी वारंटी मिल जाती है, और बाकी बढ़िया लगा मेरे को सिस्टम, काफ़ी तेज़ प्रोसेस था, मुश्किल से 10 मिनट नहीं लगे होंगे और पूरा का पूरा टायर हाथ में निकाल के दे दिया भैया ने, और कहा अगर आपको लेके जाना है तो चले जाओ। मैंने कहा भाई मैं करूँगा क्या इस टायर का, घिसे हुए टायर का क्या ही करूँगा मैं, तो कहते अगर आपको इस टायर के साथ अब यहाँ पे बर्न आउट मारना है तो आप वो भी मार सकते हो। मैं कहा भाई रहने दो, इस टायर पे अगर मैंने और बर्न आउट मारे तो बेचारे की तारे आ जाएंगे हमारे सामने, क्योंकि टायर के अंदर स्टील वायर्स होती है ना जो कि टायर को इंटैक्ट रखती है, तो मैं कहा तारे दिखनी शुरू हो जाएंगी, वो चीज़ हमको नहीं चाहिए। मैंने कहा भैया जितना हो गया हो गया, बर्न आउट बहुत मार लिए, रीले बहुत बन गई, तो वापस इसके बदल दो। तो बदल दिया उन्होंने और 10 मिनट लगे नहीं, पूरा का पूरा वापस अरेंज कर दिया, और बाइक बढ़िया चल रही है, ग्रिप बढ़िया मिल रही है। मेरे को तो मैं आपको सही बताऊं, जैसे मैं पहले ब्रेक मारता था ना तो बाइक ना हल्की सी ऐसा लगता था कि डगमगा रही है स्टॉक टायर्स के साथ, अब वो चीज़ ख़त्म होगी भाई। ब्रेक मारी तो स्किड भी ज़्यादा नहीं मार रही, जैसे पहले तो टायर घिसा हुआ था तो स्किड मार जाता था, फिसलता हुआ निकल जाता था, अब वो सीन भी कम हो गया है। तो ओवरऑल ग्रिप तो मेरे को बढ़िया लग रही है अभी तक, कि जैसे हमको इस अपोलो के टायर से मिल रही है, और बाकी लुक्स में तो फ़र्क है ही भाई, लुक्स इतनी बढ़िया है इसकी, मैंने को दिखाई मोटी कुट्टी का टायर, TVS के टायर से तो लाख गुना ज़्यादा बढ़िया है इसका डिज़ाइन, वो तो ऐसे वाइड ब्लॉक टायर देते थे जो सिर्फ प्रमोशन के लिए सही है, कि हाँ भाई वाइट ब्लॉक टायर मिलते हैं, रोड ब्लॉक जो भी कहते हैं उसको TVS अपनी तरफ से, एग्जैक्ट मेरे को पता नहीं। बाकी ये टायर हमने लगवाया, तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच। तो भाई अभी ना तो
भाई अभी ना मैं आपको ना एक चीज़ ये भी बता दूंगा कि जैसे हमने अपना अपोलो का टायर डलवाया चेंज करवाने के बाद, लेकिन काफ़ी बंदे सोच रहे होंगे कि भाई हम TVS का ही टायर डलवा लेंगे। एक बार अगर जैसे कभी टायर घिस जाता है या टायर चेंज करवाना पड़ता है तो हम TVS का टायर डलवा लेंगे। तो मैं एक बार आप लोगों को TVS के टायर का भी प्राइस बता दूंगा कि रियर टायर हमको कितने का मिलता है कंपनी से या जहाँ से भी हम लेना चाहें। TVS का जो टायर जो स्टॉक डल के आता है वो हमको कितने का मिलता है, तो वो भी आपको उसकी भी डिटेल्स आपको इसी वीडियो में मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, स्क्रीन के ऊपर भी आप देख लो। तो ये है प्राइस जो हमको TVS के टायर का मिलता है, और बाकी अपोलो का तो मैंने आपको बता ही दिया कि भाई 2950 रुपये का आपको अपोलो का टायर मिल जाता है। और भाई क्या बढ़िया कर्व मार रही यार अभी गाड़ी, मतलब पहले तो साला घिसे हुए टायर के साथ कॉन्फिडेंस ही नहीं आता था, बट अब काफ़ी बढ़िया कॉन्फिडेंस है। टायर चेंज करने से काफ़ी फ़र्क पड़ता है, मैंने ये चीज़ तो देख ली। मतलब ये तो मेरे को पता ही है कि टायर सबसे बेसिक चीज़ है जिसके ऊपर बाइक चलती है, बट फिर भी इतना फ़र्क पड़ेगा मैंने सोचा नहीं था। तो चलो अब चलते हैं।